खांसी का होना एक आम समस्या है। बच्चे हो या बुजुर्ग, किसी को भी खांसी की समस्या कभी भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि मौसम के अचानक बदल जाने से लेकर अन्य कारणों से व्यक्तियों को खांसी जैसी आम समस्या हो सकती है। खांसी की समस्या होने पर लोगों के गले में दर्द या फिर खराश जैसी समस्या का होना भी लाजमी है। लेकिन हमने आम तौर पर देखा है कि जब भी किसी व्यक्ति को खांसी होती है तो वह किसी भी दवा की दुकान से दवा लेकर उसका सेवन कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खांसी को आप घर बैठे ही एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप खांसी में लाभ पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से खांसी को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। खांसी की एक्यूप्रेशर चिकित्सा को जानने से पहले हमें खांसी क्या है ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आयुर्वेद की माने तो खांसी पित्त वात तथा कफ के असंतुलन की वजह से हो सकती है। अनहेल्दी फूड, खराब जीवन शैली की वजह से व्यक्ति के शरीर में कफ तथा वात होने लगता है, जिसकी वजह से खांसी की समस्या होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी होती है और एक बलगम वाली खांसी होती है। चलिए जानते हैं सूखी खांसी में आप कैसे एक्यूप्रेशर थेरेपी को दे सकते हैं या स्वयं भी खुद भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक क्लोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी, एक पेपर टेप की जरूरत पड़ेगी। चलिए नजर डालते हैं उस पॉइंट पे। ये पॉइंट हमारा इनसाइड यानी कि हाथ के अग्र भाग में है, इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट से स्लाइटली अपसाइड टूवर्ड्स थंब। ये पॉइंट हमारे थंब की तरफ है मगर इंडेक्स फिंगर पे है, जो हमारा अपर जॉइंट है से थोड़ा सा ऊपर पे ये पॉइंट है। पॉइंट का नाम है LU10 और आपको इसी पॉइंट पे ट्रीटमेंट देना है। पॉइंट बाइलेटरल है यानी कि दोनों ही हाथों में हमारे, तो आप दोनों ही हाथों में इस ट्रीटमेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले आपको सेडेशन टोनिफिकेशन मैग्नेट लेना है। मैग्नेट का एक भाग व्हाइट और एक भाग येलो होता है, तो आपको जो स्किन को टच करेगा वो व्हाइट वाला पार्ट होगा और जो लगाने के बाद बाहर से दिखेगा वो येलो वाला पार्ट होगा। तो इस थेरेपी में हम उस LU10 जो पॉइंट है हमारा, इसको सेडेट करेंगे ताकि जो हमारा ड्राई कफ है वो बाहर निकल जाए। जैसे जैसे आप इस पॉइंट को इस्तेमाल करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो सूखी खांसी है इसमें आपको आराम मिलना शुरू हो गया है। और जो हमारी दूसरी खांसी है, जिसे हम बलगम वाली खांसी बोलते हैं यानी गीली खांसी, वेट कफ, इसका बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर में उपचार है। एक्यूप्रेशर में इसका बहुत ही अच्छे पॉइंट है। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से आप बहुत जल्दी अपनी बलगम वाली खांसी को ठीक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे आपकी बलगम वाली खांसी में राहत मिलना शुरू हो गया है। आएंगे पॉइंट की तरफ, नजर डालते हैं। ये पॉइंट हमारा इनसाइड यानी हाथों के अग्र भाग में, इंडेक्स फिंगर का जो मिड जॉइंट है, मिड जॉइंट में एकदम साइड में टुवर्ड्स थंब, ये थंब के नजदीक होगा, ठीक है। यही पॉइंट हमारा बायलेटरल है, दोनों ही हाथों में है। आप दोनों ही हाथों में इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इस पॉइंट का नाम है LU5। यहां पर भी हमें लेना होगा एक पेपर टेप और टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट, क्योंकि हमें सेडेट करना है इस पॉइंट को। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने LU10 को सेडेट किया था कि व्हाइट वाला पार्ट हमारा स्किन को टच होगा और लगने के बाद जो पॉइंट बाहर से दिखेगा वो हमारा येलो वाला पार्ट होगा। आपको दोनों ही हाथों के पॉइंट में इस ट्रीटमेंट को करना है। 8 से 10 घंटे लगाकर छोड़ दीजिए, रात को सोते समय भी आप लगा के इसे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे जो आपको गीली खांसी थी यानी बलगम वाली खांसी, आपको उसमें धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।